Anish Shetty. करती मैं बहुत ज़्यादा हूँ तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं। अभी तो आ ही रहे हैं, जस्ट गर्मी भी लग रही है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, ज़रा सी हुई थी, बट अभी तो हम आ ही रहे हैं तो देखते हैं क्या क्या मिल रहा है इस बार। कभी मना नहीं करते, बोलते जितना मर्जी उतना खर्चा करो तुम लोग, यही बोलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अभी खर्चा कर लेंगे फिर कमा लेंगे। और हमको भी आ रही थी भूख, और अब हमको लगेगी भूख, तो अभी हम देखने कहीं पर अच्छा सा रेस्टोरेंट, बट यहाँ पे अभी कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए हम ढूंढ रहे हैं कहीं पर मिले ढंका तो खाना खाते हैं। और हमने ले रही है शॉपिंग, तो अभी हमने अल्टर के लिए दे दिए हैं कपड़े, और घर में जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया मैंने। अब हम आ चुके हैं घर पे, और हमने आज बहुत सारी शॉपिंग करी है, और अपनी शॉपिंग तो मैं आपको पहन के ही दिखाऊंगी क्योंकि अभी नहीं दिखाऊंगी। फिलहाल तो भी मेरी बेटी अपनी ड्रेस को ट्राई कर रही है, देखती है कि देख रही है फिटिंग सही हो रखी है कि नहीं, अल्टर करके उन्होंने दिए हैं, बट अभी देखते हैं पहन के कैसे लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल डॉली द ब्लॉगिंग। कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, और बस यहाँ टाइम ही नहीं मिलता है, यहाँ भी मैं बिजी रहती हूँ। और आज हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, और कौन सी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। और यहाँ डेली में पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मेरे बहुत सारे काम हैं लेकिन कुछ काम नहीं बन पा रहा है, इस बारिश के चक्कर में कहीं बाहर नहीं जाना हो पा रहा है, बट मूवी देखने तो जाना ज़रूरी है, इसलिए आज हम सुबह सुबह उठ गए हैं। वैसे तो उठते नहीं हैं, और अभी तो फ़िलहाल जा रहे हैं हम मूवी देखने के लिए, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या क्या प्रोग्राम होता है। और यहाँ ना बारिश ने हालत ख़राब करके रखी है, ये देखिए बारिश बारिश बारिश, चारों तरफ हालत ख़राब हो रखी है। आज हम बहुत दिनों के बाद पहली बार इतने सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं, नहीं तो हम तो 12 बजे से पहले उठते भी नहीं थे, लेकिन मूवी के चक्कर में आज सुबह 7 बजे उठना पड़ा मुझे, और मेरी बेटी को 8:30 बजे। और हम निकलने के लिए हो चुके हैं रेडी, बस ये इतना ही करेगी। हम पहुँच चुके हैं मोड़ा, और यहाँ पर भी बारिश हो रही है, और सुबह सुबह यहाँ इतना जाम लगा हुआ है ना कि क्या बताऊँ। और एक ये मेरी बेटी, इसको मैं रोज़ बोलती हूँ बेटा इतने सारे काम हैं घर में, ज़रूरी काम है, बाहर जाना है, तो नहीं उठेगी। और आज ये मूवी देखने के लिए इतनी जल्दी उठ गई है, 8:30 बजे उठ गई थी। और ऐसे ना क्या आफत आ रखी है ना हमारे पे, इतनी बारिश में और हमको आना पड़ा है। ये है ना मेरी बेटी दुष्ट, उसने बोला मूवी देखनी है तो देखनी है, ज़बरदस्ती टिकट बुक कर दी, तो फिर मेरे को आना ही पड़ा, पैसे जा रखे थे तो यार। तो मैं बैंड बजाऊँ, सच्ची में इतना गुस्सा आता है ना मेरे पे इसको देख के। बेटा कल से नहीं उठी ना तो 8 बजे मैंने ना लठ तोड़नी है तेरे ऊपर, देख रहे हैं। आपको 7 बजे उठना? हाँ मैं 7 बजे उठ जाऊँगी, मैं 6 बजे उठ जाऊँगी, बट मैं लठ तोड़ूंगी तेरे ऊपर अगर मेरा कहना नहीं माना। अगर आपने उठे 7 बजे तो मेरे को मन बोलना। अच्छा, गर्मी से तो बहुत राहत मिल गई,
जैसे मैंने एसी लगाया घर पे, गर्मी से हाई तोबा हुई, एसी लगाया उसके दूसरे दिन से यहाँ बारिश होने शुरू हो गई। इसीलिए मैं बोल रही थी रुक जा। नहीं। अच्छा इसीलिए मैं बोल रही थी, गर्मी से भी तो मर गई थी मैं। पहुँच चुके हैं थिएटर में, मूवी का टाइम शुरू होने वाला है। किचन क्लीन कर दोगे? आ रहे हैं आज तो यहाँ ना हाउसफुल हो रखा है, बड़ी मुश्किल से टिकट मिली। गोल्ड मेडल टच टैप स्वाइप वेव स्विचेस गोल्ड मेडल हो रखा है, लेकिन अभी स्विच टू बी अमेजिंग। अभी आधा घंटा है, आधा घंटा कितने मिनट, अभी 15-20 मिनट है, बट सारा फुल है, अभी हो जाएगा ये फुल एकदम से। देखते हैं क्या बोल रही ये जो, देखते हैं कि वो दिखाते हैं सच क्या होता है, क्या देखते हैं कि सच में हाउसफुल है कि नहीं है। नहीं नहीं हाउसफुल है, देखते हैं हाउसफुल। अभी तो टाइम है ना इसमें, लेट्स रेस फॉर इट। भंडारे में से लेकर आ गई है, भंडारे में से खाना लेकर आ गई, चलो अच्छी बात है।